हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दास एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने ग्रुप डी का एग्जाम दिया हुआ है उनके लिए मैं एक बहुत ही अच्छी तरह से वीडियो बना के लाया हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको मेडिकल किस तरह होता है ग्रुप डी में, ठीक है, और आपका जो फिजिकल फिटनेस का टेस्ट लिया जाता है जिसको पीटी बोला जाता है वो किस तरह होता है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, आप इस वीडियो को अगर देखिएगा तो आपके लिए हेल्पफुल ही होने वाला है, ना कि आपको कुछ हानि होने वाला है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, ज़्यादा लंबा भी नहीं है वीडियो, छोटी सी वीडियो है, तो आप अंत तक देखिए और स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, ताकि इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आपका जो फिजिकल होता है किस टाइप का होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आपका जो प्रीवियस ईयर फिजिकल किस तरह हुआ था। तो प्रीवियस ईयर में फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो उसमें आपका सिर्फ दौड़ था, वो भी कितना, 1500 मीटर का दौड़ था, वो 6 मिनट में आपको कंप्लीट करना था। लेकिन आपका करेंट ईयर जो अभी का जो वैकेंसी निकला हुआ उसमें आपको पीटी में क्या होगा, 100 मीटर का, ठीक है, 100 मीटर का दौड़ आपको 35 केजी का वेट लेके दौड़ना है। अब किस तरह दौड़ना है देखिए, मैं इमेज में दिखा रहा हूँ, देखिए इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे कि आपको 35 केजी का बालू का बोरा लेके आपको दौड़ना है, ठीक है, वो भी कितना मिनट में, 2 मिनट में आपको पूरा करना है। और आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आपको एक ही चांस मिल रहा है, तो आपका जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए, तभी आप इसको कंप्लीट कर पाएंगे। फिर आपका नेक्स्ट है, उसके बाद आपको जब ये आप कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद आपको 1000 मीटर का दौड़ आपको 4 मिनट 15 सेकंड में कंप्लीट करना है, ठीक है, वो भी इसमें भी आपको 1 ही चांस मिलेंगे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं गर्ल्स, तो गर्ल्स के लिए भी आपको 100 मीटर का दौड़, लेकिन इसमें आपको जो वेट है वो आपको 35 केजी से 20 केजी कर दिया गया है, इनको भी 2 मिनट का ही टाइम मिलेगा और इसको भी चांस, एक ही चांस मिल रहे हैं। फिर आता है इलों का भी, जो 1000 मीटर का दौड़ है, इनको भी आपको 5 मिनट 40 सेकंड में आपको कंप्लीट करना है, इनको 1 मिनट का टाइम ज़्यादा दिया गया है और इनको भी एक ही चांस में इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। अब सबसे अब इम्पोर्टेंट बात वाले हम लोग बात करेंगे कि आपका जो मेडिकल टेस्ट किस टाइप का होता है, ठीक है, मेडिकल टेस्ट में आपका क्या क्या होता है, किस तरह होता है, सब कुछ बात करेंगे। फ्रेंड्स, आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आया है उसमें आपको क्लियरली नहीं बताया गया है कि आपका किस टाइप का होना है, लेकिन मेरे कुछ साथी आपका रेलवे में जॉब करते हैं, तो उन्हीं की सहायता से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और उसमें जितना भी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ सब कुछ सही देने वाला हूँ। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। देखिए, मेडिकल में सबसे पहले आपको आई विजन चेक किया जाता है। आई विजन में क्या होता है कि आपको दूर से नंबर दिखाया जाएगा, वो नंबर आपको स्पष्ट रूप से नजर आना चाहिए, तभी मतलब आपको माना जाए कि आपका आई विजन अच्छा है। और रेलवे में तो सबसे मस्ट होता है आई विजन और कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो आई विजन आपको चेक कैसे किया जाता है, देखिए मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूँ। तो इस इमेज में देखिए, आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले बड़ा अक्षर, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा 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 होते जा रहा है, तो आपको सब अक्षर आपको अच्छे से क्लियर आना चाहिए, तो ही होता है, इसी तरह आई विजन का टेस्ट होता है। नेक्स्ट बात करें आपका, तो नेक्स्ट आपका आएगा कलर ब्लाइंडनेस। देखिए, कलर ब्लाइंडनेस होता क्या है कि आपको एक नंबर दिखाया जाएगा, ठीक है, उस नंबर में आपका जिसका कलर ब्लाइंडनेस होता है उसको वो नंबर ना देख के दूसरा नंबर दिखाया जाएगा। देखिए, जैसे मैं इस इमेज में आपको दिखा रहा हूँ, इस इमेज में आपका जो लिखा हुआ है 29, हम लोग को तो दिख रहा है, ठीक है, 29, लेकिन जिसका कलर ब्लाइंडनेस है उसको ये 29 ना देख के उसका 72 दिखेगा, तो ये होता है कलर ब्लाइंडनेस। और रेलवे में मस्ट बोल रहे तो आपको कि आई विजन और कलर ब्लाइंडनेस ये दोनों बहुत ही मतलब अच्छी तरीके से चेक किया जाता है, क्योंकि यही दोनों तो रेलवे में चाहिए ही, ठीक है। फिर आता है आपका ब्लड टेस्ट, तो ब्लड टेस्ट भी आपको कराया जाता है, सिंपली तरीके से कराया जाता है, जैसे कराया जाता है। फिर आपका ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है आपका। फिर आपका आता है डायबिटीज टेस्ट, देखिए डायबिटीज टेस्ट भी आपको कराया जाता है, लेकिन इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, अगर आपका डायबिटीज़ है तो आप 1 महीने के अंदर उसको कंट्रोल कर ले, जब आपका क्या बोलते हैं मेडिकल टेस्ट होगा तो आप उस समय आप इसको कंट्रोल कर लीजिए। फिर आपका चेस्ट का एक्सरे भी किया जाता है, बस यही कुछ इंपॉर्टेंट है कि इसको आप चेक किया जाता है मेडिकल में, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।